लूट तो मिल गई पर माल हाथ आया मुंह को ना लगा। नारायण ऑक्सीजन, अरे जिंदा ही नहीं बचूंगा तो ऑक्सीजन बचा के करूंगा क्या। मिलने के बाद भी कितनी देर लगा दी। आइए साहब बाहर आइए। आ तो गए थे टाइम पे जब ये लोग तुमको कूट रहे थे उसी टाइम। तो आई क्यों नहीं? इतनी देर साहब के मरने का वेट कर रहे थे क्या? उधार सिर्फ जान बचाने का था, हमारा हिसाब बराबर। लूट कहाँ? कहाँ है लूट? से बहुत दूर बता दूंगी कहां है, लेकिन मेरे लोगों को तुम्हें जिंदा छोड़ना होगा। वचन दिया था तुम्हारे खानदान की चिता मेरे बदले की आग से जलेगी और एक अभीरा अपने वचन से पीछे नहीं हटता। लूटने वाले सब लोग मर चुके हैं, ये उनके किए की सजा नहीं भुगतेंगे जयराम। तुम्हें लूट चाहिए या हम सबकी जान, फैसला तुम्हें करना है। डरने की जरूरत नहीं है लक्ष्मी, श्रीहरी जब तक है ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। श्रीहरी कहाँ है तेरा श्री? सिर्फ मैं जानती हूँ कि लूट का माल कहाँ है। अगर मेरे लोगों को कुछ भी हुआ ना तो न लूट मिलेगी न सिंहासन। हेलो ब्रदर, तुम्हारे लिए पार्सल आया है। अमरावती पुलिस डिपार्टमेंट की चौकन्नी आके और पैनी बंदूक के आपको चारों तरफ से घेर चुकी है। इस जानलेवा चेतावनी को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कोई भी अपनी जगह से हिला तो अंजाम क्या होगा उसका एक नमूना पेश करता हूं। एक मिनट, कोई अपनी जगह से हिले नहीं है? कोई भी अपनी जगह से हिला तो अंजाम क्या होगा उसका एक नमूना इन सबको दिखाता हूं। बॉयस जरा देख के शूट करो। ओके नमूना देख लिया ना, तो चलो अपनी अपनी बंदूकें फेंको। एक बिजनेस प्रपोजल है, 15 सालों से जो आप लोग ढूंढ रहे थे उसे मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर, हाँ गौर कीजिएगा, जान की बाजी लगाकर लक्ष्मी जी मैंने लूट के माल को आपके लिए ढूंढ निकाला। सो यस, यहां जो भी अभिराओं का सरदार बनना चाहता है वो हाथ उठाए, बदले में इन लोगों को जिंदा छोड़ना होगा। गिव एंड टेक, क्या बोलते हो? लूट तो तू लेकर आ गया लेकिन जान की बाजी अब लगा रहा है। आप चुप रहिए सर, आप तो वचन तोड़ के इन लोगों को जिंदा छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इन लोगों ने वचन थोड़ी दिया है। सो यस, मार्केट ओपन हो चुका है,
जो भी सरदार बनने में इंटरेस्टेड हो बिना संकोच के हाथ उठाए। देर, ये रहे पहले उम्मीदवार। सेकंड कैंडिडेट, गुड। हाँ, आप, यू सीम लाइक एन इंटरेस्टिंग कैंडिडेट, आगे आइए। आपका नाम? मैंने पहले ही कहा था, होशियारी की सीमा पार करना बेवकूफी होती है। जान की बाजी लगाई थी ना नारायण, अब जान देने के लिए तैयार हो जा। सिंहासन के लिए तो अपने बाप की जान ले ली थी मैंने। अब बता, और कोई है जो सरदार बनना चाहता है? किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे सामने आ सके। ठीक है, जब इस सिंहासन का कोई दावेदार नहीं मैं बैठता हूं, और बाबा को दिया हुआ वचन भी पूरा करूंगा। अब बुला अपने श्रीहरि को। बुला। सात पहाड़ों के राजा, अभिराम के सरदार, राम राम की धर्म संतान, मैं जयराम अपने पिता की प्रतिज्ञा पूरी करते हुए। सर एक है, सर इधर, आपने अभी बोला ना कोई दावेदार नहीं है, इधर एक है। जेंटलमैन, कल को अभिराम का इतिहास लिखेगा तो उसके दो भाग होंगे, एक उसके सरदार बनने से पहले, एक उसके सरदार बनने के बाद। कौन है वो? नाम है श्रीमान नारायण। नारायण जयराम सर, शांति। रूल के हिसाब से लूट ढूंढते ही मैं सरदार बन चुका हूं, और अब मैं सरदार बन गया हूं तो अभिराव के इतिहास में लिखने के लिए क्या बचेगा? सिर्फ एक फुल स्टॉप। बताओ क्यों? अभीर परंपरा आज से खत्म, आज के बाद इस प्रथा का पालन करने की जरूरत नहीं। यह सरदार श्रीमन नारायणा का पहला और आखिरी आदेश है। देखिए, किले के बाहर आग लग चुकी है और थोड़ी देर में आग अंदर तक आ जाएगी। तुम लोगों की फैमिली है यार, उनके बारे में तो सोचो। देखो अपने सरदार की बात मानो, प्लीज निकल जाओ। किसी ने भी यहां से हिलने की कोशिश की तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। आ, आ, आ। देखो तुम्हें से कई लोगों ने सरदार बनने के लिए हाथ उठाया था। जयराम सर वैसे भी तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गुड। आ जाओ, चलो चलो चलो, जल्दी चलो। ए लक्ष्मी, लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, चलो चलो चलो।
तू जिस इतिहास को खत्म करने चला है, मैं उसी इतिहास को तेरी मौत से फिर शुरू करूंगा। शुरू करने वाला कहां गया? अच्छा यहां। आजा। Thank you.
जल्दी चलो।